हेलो स्टूडेंट, डी एन जी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर वन के एग्जांपल नंबर टेन पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं एग्जांपल नंबर टेन क्या बोलता है। फाइंड एन इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। मीन्स आपको क्या बताना है, 1/7 एंड 2/7 के बिटवीन आपको कितने रेशनल नंबर बताना है, हमारे पास में वन रेशनल नंबर बताना है। ठीक है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो अब हमको क्या करना है कि 1/7 और 2/7 के बीच हमको वन इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो रेशनल नंबर्स भी फाइंड किए हैं किन्हीं भी टू रेशनल नंबर्स के बीच में, मींस किन्हीं भी टू रेशनल नंबर के बिटवीन हम लोगों ने टू रेशनल नंबर, थ्री रेशनल नंबर या फाइव रेशनल नंबर हम लोगों ने फाइंड किए थे, बट यहाँ हमको इरेशनल नंबर फाइंड करना है। अब इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो इसकी मेथड क्या होगी, चेंज होगी रेशनल नंबर फाइंड करने की तुलना में। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमारे पास में 1/7 एंड 2/7 है। अब 1/7 है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो इरेशनल नंबर हम किसको बोलेंगे, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले यहां देखना पड़ेगा कि जो 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है एंड 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है, ये हमको देखना होगा। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 7 का डिवाइड 1 में लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड का रूल क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर का डिवाइड किस में लगाते हैं, न्यूमिरेटर में। क्लियर हो गया। तो अब हम 7 का डिवाइड 1 में लगाएंगे तो कैसे डिवाइड लगाएंगे, देखिए हमारे पास में अब डिवाइड लगाने का रूल ऐसा होगा हमारे पास में कि 7 का डिवाइड हम 1 में लगाएंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 7 का डिवाइड 1 में जा रहा क्या, नहीं जा रहा। अब जब 7 का डिवाइड 1 में नहीं जा रहा तो हम क्या देंगे, जीरो टाइम देंगे, मीन 7 जीरो जा जीरो, फिर हम 1 में 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर भी हम 7 का डिवाइड 1 में जा रहा है क्या, नहीं। अब 1 में नहीं जा रहा तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, डेसिमल, और डेसिमल का क्या हो जाएगा, जीरो। अब 10 हो गया। अब 7 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि हमारे पास में या तो 10 आ जाए या तो उससे कम है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 7 1 7 और 7 2 14 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने 1 टाइम दिया, मीन 7 1 7 हो गया। फिर माइनस किया 10 में 7 तो कितना बचा हमारे पास में, 3। फिर 7 का डिवाइड हमारे पास में 3 में जा रहा है क्या, नहीं। जबकि हमने डेसिमल यहाँ पर लगा दिया तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं क्या, तो यस बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर कितना हो गया, 30। 7 का टेबल ऐसा पढ़िए कि या तो हमारे पास में 30 आ जाए या तो उससे कम आ जाए। तो 7 4 जा कितना होता है हमारे पास में, 28। अब 28 होता है, माइनस करेंगे तो 30 में 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 बचेगा। डायरेक्टली हम 2 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसा भी माइनस कर सकते हैं कि 0 में से 8 नहीं आ रहा तो यहाँ पर क्या होगा, 1 ले लिया तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 1 दे दिया हम लोगों ने तो क्या हो गया, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, बात वही है। या फिर आप डायरेक्टली भी उसको माइनस कर सकते, क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़े तो 7 का डिवाइड हमारे पास में 2 में जा रहा है क्या, नहीं। तो हमने यहाँ पर डेसिमल तो लगा दिया है, तो डेसिमल लगा दिया है हमारे पास में तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 7 का टेबल ऐसा पढ़िए कि या तो 20 आ जाए या तो उससे कम है। तो 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14। 7 2 जा हो जाएगा 14, क्लियर हो गया। अब 20 में से हम 14 को माइनस करेंगे, मीन 0 में से 4 जा रहा है क्या, नहीं। तो 2 में से 1 यहाँ पर दिया तो 10 हो गया, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। फिर 7 का डिवाइड 6 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, मीन्स हम यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेसिमल का 0 नहीं, 60 हो गया। अब देखिए 7 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 60 आ जाए तो या तो उससे कम आए, तो 7 8 जा कितना हो जाएगा, 56। अब 7 8 जा कितना हो जाएगा, 56, और 56 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 60 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो यहाँ पर फिर डेसिमल का 7 का डिवाइड 4 में जा रहा क्या, नहीं। तो यहाँ पर कितना बना देंगे, 0। फिर हम देख रहे हैं कि 7 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 40 आ जाए या तो उससे कम है, तो 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35। अब कितना हो जाएगा हमारे पास में, देखो 7 5 जो 35 हुआ तो 40 में 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब फिर यहाँ पर डेसिमल का 0 ले सकते हैं क्योंकि 7 का डिवाइड 5 में जा रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50। अब 7 का टेबल ऐसा पढ़िए कि या तो 7 के टेबल में 50 आ जाए या तो उससे कम है। तो हम देख रहे हैं कि 7 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 49 50 में माइनस करेंगे तो 1 बचेगा।
अब आप देख रहे होंगे कि वन यहां पर भी था, वन यहां पर भी था, मीन्स अब यहां से प्रोसेस भी क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगेंगे, मीन्स रिपीट होने लगेंगे, मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये फिर प्रोसेस पूरी रिपीट होगी, मीन्स यहां बार लग जाएगा, मीन्स यहां पर क्या हुआ कि जो 1.7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो कितना है 1.042857 पे बार, क्लियर हो गया। ये किसका डेसिमल एक्सपेंशन है, 1/7 का, मीन्स यहां पर इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेटिंग आया क्या, नहीं आया। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, जिसमें कि डिवाइड कंप्लीटली पूरा चला जाए, मीन्स रिमाइंडर क्या बचे, जीरो बचे, पर यहां रिमाइंडर जीरो बच रहा है क्या, नहीं। अब हम देखेंगे 2/7 को, तो 2/7 के लिए भी हम क्या करना पड़ेगा, 2/7 के लिए भी हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, तो यहां पर भी यही प्रोसेस करेंगे हम लोग, किट 7 का डिवाइड किस में लगाएंगे हम लोग, 2 में, क्योंकि हम हमेशा डिवाइड किसका किस में लगाते हैं, न्यूमरेटर का, सॉरी डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, नीचे का डिवाइड ऊपर लगाते, तो यहां डिवाइड कैसे लगाएंगे देखिए। अब हमको किसका डिवाइड किस में लगाना है, 7 से डिवाइड लगाना है 2 में। अब हम देख रहे हैं कि 7 का डिवाइड 2 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो टाइम देंगे, जीरो टाइम दे रहे तो 7 0 0, फिर 2 में से जीरो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। अब डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल का कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 7 का डिवाइड 2 में जा रहा था क्या, नहीं। अब हम आगे बढ़ जाएं, तो आगे बढ़ेंगे तो हम यहां देख रहे हैं कि 7 का टेबल ऐसा पड़ी है कि या तो 20 आया या तो उससे कम है, तो 7 2 सा कितना हो जाएगा, 7 2 सा हो जाएगा 14, और कितना हो जाएगा हमारे पास में, अब हम 14 माइनस करेंगे 20 में से तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा डायरेक्टली। अब 6 आ गया तो 7 का डिवाइड 6 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। अब 7 का डिवाइड 6 में नहीं जा रहा तो हम क्या ले लेंगे, डेसिमल का 0, क्योंकि डेसिमल जब हम लोगों ने ले लिया तो हम 0 को बढ़ा सकते हैं 1 टाइम, अगर 2 टाइम 0 लेते हैं तो फिर आपको 0 भी लिखना होता है, क्लियर हो गया। अब 7 का टेबल ऐसा पढ़िए कि हमारे पास में या तो क्या आ जाए, 60 आ जाए तो उससे कम आ जाए, तो 7 8 जा कितना हो जाएगा, 56, 7 8 जा 56 हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, 60 में से 56 माइनस कर दो तो 0 में 6 ज्यादा गया तो नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 1 लेते तो 10 हो गया, 10 में 6 गया तो 4 आ गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, सॉरी यहाँ 5 बचेगा क्योंकि 1 तो दे दिया, तो 5 में से 5 जाएगा तो कुछ नहीं, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, मीन्स 4 बचा। फिर 7 का डिवाइड 4 में जा रहा क्या, नहीं, तो फिर हम कितना टाइम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेसिमल का 0 ले लेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि 7 का डिवाइड टेबल ऐसा पड़ी कि या तो 40 आ जाए या तो उससे कम आ जाए, तो 7 का टेबल ऐसा पड़ी, 7 5 से कितना हो जाएगा, 35 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। फिर यहां पर 5 डिवाइड जा रहा क्या, नहीं, तो हम यहां पर क्या ले लेंगे, 50 हो जाएगा, क्लियर हो गया। 7 का टेबल ऐसा पड़ी कि या तो 50 आ जाए या तो उससे कम आए, तो 7 7 से कितना हो जाएगा, 49, फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक, 1 बचेगा, तो फिर 7 का डिवाइड 1 में जा रहा है क्या, नहीं, तो फिर कितना हो जाएगा, 7, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर डेसिमल का 0 ले लिया, फिर हमने क्या लिया, 7 का टेबल ऐसा पड़ेगा या तो 10 आ जाए, 7 1 7 हो जाएगा, फिर 7 माइनस करेंगे 10 में से कितना बचेगा हमारे पास में, 3। फिर भाई हम क्या करेंगे, डेसिमल का 0 ले लेंगे क्योंकि 7 का डिवाइड 3 में जा रहा है क्या, नहीं, तो फिर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 7 सॉरी ये हो जाएगा 0, फिर 7 का टेबल ऐसा पड़ेगा या तो 30 आ जाए तो उससे कम आ जाए, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 7 4 जा 28 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब आप यहां देख रहे होंगे कि फिर से यहां पर 2 बच गया, देखो 2 से पहले भी डिवाइड दिया, फिर रिमाइंडर भी क्या आ गया, 2 आ गया, मींस अब यहां पर क्या हो जाएगा, जो रिपीट कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 4 से स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास में, मींस ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, क्लियर हो रहा है सभी को। उसके बाद में यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आया 2/7 का कितना आया, 0.285714 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मींस यहां हम देख रहे हैं कि 1/7 एंड 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो हमको क्या मिला, नॉन टर्मिनेटिंग मिला और रिपीटिंग हो रहा है, लेकिन हमको इरेशनल नंबर में क्या बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, और हमको क्या बताना है, इन दोनों के बिटवीन हमको क्या बताना है, एक इरेशनल नंबर बताना है। तो अब हम यहां पर क्या लिख सकते, देखिए जैसे कि हमारे पास 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन 1.42857 है जो कि रिपीट होते चल रहा है, 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है 0.285714, ये भी रिपीट होते चल रहा है, बट हमको क्या बताना है कि इरेशनल नंबर बताना है हमको किसके बिटवीन, 1/7 एंड 2/7 के बीच, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास में, जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं।
तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो हम यहां पर इनको कैसे बताएंगे? देखिए, अगर हम यहां बात करें 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है 1.014 है, और हमारे पास में इसका कितना है 0.28 है। अब इसके बीच में आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो, क्योंकि बिटवीन बोला और कोई भी एक आपको इरेशनल नंबर बताना है। तो यहां पर देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.15 भी लिख सकते हैं, 0.15 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको रिपीट नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो नॉन रिपीटिंग होने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास में नॉन रिपीटिंग होने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.150 फिर 1500 1500 जीरो फिर 1500000 डेज 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 कहाँ तक होगा, ये इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। मीन्स इससे क्या हुआ, 00 बढ़ाने से मीन्स ये क्या हो रहा है कि रिपीटिंग नहीं हो रहा। देखो 150 के बाद में क्या है, 1500 आ गए, फिर 15000 फिर और मतलब कि 30 और बढ़ गए। मीन्स ये रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे हमारे पास में कि सॉरी वन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 इज क्या हो जाएगा हमारे पास में, 0.150 1500 1500 15 फिर 000 डेज इन्फिनिटी तक ये चलते रहेगा। मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि 1/7 एंड 2/7 के बीच वन इरेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम जो नंबर्स देके रखे हैं उनका आपको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना होगा, और उन्हीं के बिटवीन हमको क्या बताने होंगे, इरेशनल नंबर बताने होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस टाइप से हमको एग्जाम्पल नंबर 10 को समझ सकते हैं।